देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या देखा था आपने कि जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी एक डेफिनेट पाथ होती है और एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है जिसमें वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। जबकि टर्बुलेंट में कोई डेफिनेट पाथ नहीं होती है। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, वो रैंडमली और कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को और वेलोसिटी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए आती है आपकी एक इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का समीकरण। ये क्या है बेसिकली, ये जो इक्वेशन आपकी आएगी ये किस स्टेटमेंट पे बेस्ड है पहले वो आप लोग जान लो। मान लो कोई भी लिक्विड है और उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है, और वो जो लिक्विड हम यहाँ ले रहे हैं वो कैसा है, नॉन विस्कस है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, श्यानता आप ना के बराबर मान के चल सकते हैं, या कह सकते हो जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स वहाँ पर एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसमें नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स के अगर आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे कि प्रेशर वगैरह चेंज होता है तो इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो और उसका फ्लो यहाँ पर कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, उसको हम इस ट्यूब के थ्रू दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्यूब है जिसके ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है जहाँ से पानी अंदर या लिक्विड अंदर और बाहर जा रहा है वो हमने अलग अलग लिए हैं। देखोगे तो ये क्या है, बड़ा है, और ये वाला क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली किस पे बेस्ड है कि अगर किसी भी नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो होता है वो किसी ट्यूब से स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, उसका उस ट्यूब के अंदर धारा रेखीय प्रवाह अगर हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना लिक्विड ट्यूब में एंटर करेगा, जितना लिक्विड का मास ट्यूब में एंटर करेगा उतना ही लिक्विड का मास वहाँ से निकलेगा। टाइम पीरियड अगर सेम ले रहे हो, मान लो आपने क्या करा, एक मिनट का टाइम पीरियड लिया तो, और वहाँ पर जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है और उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन है, तो एक मिनट में ट्यूब के अंदर जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड वहाँ पर जो है उसके दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस बेसिक स्टेटमेंट पे बेस्ड है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी निकल कर आएगी। तो हम यहाँ पर एक ट्यूब कंसिडर कर लेते हैं, ट्यूब ए बी। ठीक है, इसमें दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक है आपका ए पर, ए वन मान रहे हैं हम यहाँ पर इसका एरिया, और एक बी पॉइंट पर है जिसका एरिया हम ए टू मान रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पर ए वन क्या है, ज़्यादा है ए टू से। ठीक है, अब इस एरिए में जब, या इस पोर्शन में जब लिक्विड एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी हमने कितनी ले ली है, वी वन, और जब बी से बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी हमने ले ली है वी टू। अभी हम ये नहीं लेके चल रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लिक्विड की ए पॉइंट पर यानी कि ए के क्रॉस सेक्शन पर कितनी डेंसिटी है, रो वन है, और बी पर कितनी है, रो टू है। ठीक है, अब अगर आप ए पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पर एरिया कितना है, ए वन, और वेलोसिटी कितनी है, वी वन। आप ये जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आपका टाइम वन सेकेंड हो जाए तो v इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, d। दैट मीन्स एक सेकेंड के लिए अगर इस लिक्विड की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ये लिक्विड कवर करेगा, d डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिस जो किसके बराबर आएगा, आपका v1 के बराबर। तो अगर आप जैसे लिक्विड इस तरह से ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो एक सिलेंडर आप बना सकते हो एक सेकेंड के लिए। ठीक है, एक सेकेंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना हो गया इसका, वी वन, और ये एरिया कितना है, ए वन। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, ए वन इंटू वी वन, एक सेकेंड के लिए। ठीक है, दैट मीन्स एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ए पॉइंट से एंटर कर रहा है, ए वन इंटू वी वन के बराबर लिक्विड का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पॉइंट ए पर सेकेंड कितना हो गया आपका, ए वन इंटू वी वन। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मास को आप निकाल सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है,
अब यहाँ इस पॉइंट पर आपने डेंसिटी कितनी ली है, रो वन, और वॉल्यूम आपका आया है ए वन इंटू वी वन, तो मास हो जाएगा ए वन इंटू वी वन इंटू रो वन। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आप निकाल रहे हो ये पर सेकंड की निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि अगर नॉन कंप्रेसिबल है और नॉन विस्कस लिक्विड है और उसका स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो वहाँ पर किसी भी ट्यूब में जब वो फ्लो हो रहा है तो जितना लिक्विड एक पर्टिकुलर टाइम में एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, या ये कह सकते हो पर सेकंड जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा। हमने एक सेकंड का टाइम इंटरवल यहाँ पे ले लिया, तो उसके लिए कितना मास एंटर कर रहा है, ए वन वी वन इंटू रो वन। इसी तरह से बी पॉइंट पर कितना मास बाहर निकलेगा वो भी आपका सेम यही आएगा, दैट मीन्स ए टू वी टू इंटू रो टू। ठीक है, अब अगर हम ये मान लें कि इस टाइम में लिक्विड का कोई लॉस ट्यूब से नहीं हुआ है तो जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में आपका एम ए किसके बराबर होगा, एम बी के, दैट मीन्स ए वन वी वन रो वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू रो टू। ठीक है, अब अगर ये लिक्विड आप इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, ठीक है, तो रो वन और रो टू क्या हो जाएगा, बराबर, दैट मीन्स ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू वी टू, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लिक्विड की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो पहले जितना था उतना ही आपका क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, या इसको आप लिख सकते हो ए इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी एम अपॉन रो, जहाँ पर m क्या है, लिक्विड का मास जो एंटर कर रहा है या निकल रहा है बाहर, क्योंकि वो हमने बराबर लेके चले हैं, और रो क्या है, उस लिक्विड की डेंसिटी है। तो बेसिकली a इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो होता है, यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। ये क्या हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, दैट के जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का और वहाँ पर जो भी लिक्विड का फ्लो की वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन है और लिक्विड नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है। क्लियर।